हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शिप्रा। वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ इंडियन मॉम। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ह्यूज आजियो बॉटम वेयर हॉल। और ये जो 380 रुपीस से स्टार्टिंग है इसकी, और ये अंडर 800 रुपीस है। बहुत ही कंफर्टेबल है बॉटम वेयर्स और बहुत ही अच्छा फैब्रिक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ ये ब्लैक कलर। ब्लैक कलर तो बहुत ही कॉमन होता है और हमें बहुत ही पसंद आता है, क्योंकि इसके साथ हर एक टी शर्ट मैच कर जाती है। ये है टीम स्प्रिट का, रिलायंस का ही ब्रांड है अपना। बहुत ही कंफर्टेबल फैब्रिक है एंड फैब्रिक इज कॉटन, और ये ब्लैक कलर का है। यहाँ पे इसमें टैपिंग हुई हुई है साइड में, वाइट कलर से कंट्रास्ट टैपिंग है जो बहुत ही सुंदर लुक दे रही है इस लोअर में। एंड ये जॉगर्स है, जॉगर्स पैंट है, और नीचे आप देख सकते हैं इसमें इलास्टिक वाला पैटर्न दिया हुआ है जो नीचे आपके एंकल पे एक बहुत ही अच्छा लुक देता है। एंड ऊपर इलास्टिक वेस्ट है इसमें पूरी प्रॉपर, आप इलास्टिक और ड्रॉ स्ट्रिंग के साथ दिया हुआ है। यहाँ पे आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं और फैब्रिक बहुत ही अच्छा लग रहा है, कम्फर्टेबल है। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, ये है टीम स्प्रिट का एंड इसका प्राइस है 600 रुपीज़। एंड जस्ट ये मेरे को 380 रुपीज़ में मिला है। बहुत ही कंफर्टेबल है एंड इसका साइज़ है एल। एल थोड़ा सा मेरे को लूज़ आया। अगर आप बिल्कुल ही फिटिंग का मानना चाहते हैं तो आप उसमें मीडियम पे जाइए, और मीडियम मतलब मीडियम आपको बिल्कुल सही आएगा। एंड यहाँ पे दो पॉकेट्स दी हुई हैं इन्होंने, साइड पॉकेट्स हैं। टीम स्प्रिट के अच्छे निकलते हैं, मैं ऑलरेडी यूज़ कर रही हूँ टीम स्प्रिट के, क्योंकि हम मॉल जाते हैं तो मॉल में भी बहुत अच्छी डील मिल जाती है इसमें। मैं आपको इसको पहन के दिखाती हूँ। नेक्स्ट है ये पर्पल एंड पिंक कलर का स्ट्राइप पैटर्न पैंट, और ये बहुत ही अच्छा है, कंफर्टेबल है। इसका फैब्रिक है फ्लेक्स। फ्लेक्स का मुझे अभी कोई भी आइडिया नहीं है कौन सा फैब्रिक होता है। और इसमें साइड पॉकेट्स दी हुई हैं, दोनों साइड में इसमें पॉकेट्स हैं। एंड इसमें इलास्टिक वेस्ट बैंड दिया हुआ है, सेमी इलास्टिक वेस्ट बैंड है। आगे से आपको ये नॉर्मल पैटर्न मिलेगा एंड पीछे आपके वेस्ट के अकॉर्डिंग अच्छे से एडजस्ट हो जाएगी इसमें इलास्टिक। एंड बहुत ही अच्छा है, इसमें जो स्ट्राइप वाला पैटर्न है बहुत ही सुंदर लुक दे रहा है। एंड इसमें यहाँ पे नैरो फिट है, और ये जो नीचे हैम दिया हुआ है, हैम पे इन्होंने बटन्स की डिटेलिंग दी हुई है जो बहुत ही सुंदर लग रही है इसमें। ये है शो के लिए और बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है इस पर, काफ़ी अच्छा है। कलर बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को, कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है। एंड इसका ये है आजियो का, इसका साइज़ है एल एंड इसका प्राइस है 1000 रुपीज़। और जस्ट ये मेरे को मिला है 520 रुपीज़ में। एंड यहाँ पे इन्होंने एक एक्स्ट्रा बटन भी दिया हुआ है जो नीचे इनका लगने का, अगर आपका खो जाए तो आप उसको लगा सकते हैं। तो उन्होंने एक्स्ट्रा बटन दिया हुआ है जो बहुत ही अच्छी चीज़ है। दोनों साइड्स में हैम में यहाँ पर बटन की डिटेलिंग दी हुई है, प्रॉपर बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है ये। एंड काफ़ी कंफर्टेबल है पहनने के बाद, बट ये मेरे को थोड़ा सा लूज़ आया है। नेक्स्ट है ये ऑरेंज कलर की पैंट, और ये जयपुर कुर्ती की है, और ये इसका फैब्रिक है कॉटन, और बहुत ही अच्छा फैब्रिक लग रहा है। थोड़ा सा मोटा है बट अच्छा है। और यहाँ पे सेमी इलास्टिक इन्होंने पैंट सेमी इलास्टिक इन्होंने बैंड दिया हुआ है, आगे से प्रॉपर वैसी नॉर्मल है और पीछे से इलास्टिक दी हुई है जो बहुत ही अच्छी फिटिंग देती है वेस्ट के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे इन्होंने दो पॉकेट दी हुई हैं दोनों साइड्स में। ये प्लीटेड पैंट है, इसमें आगे इन्होंने प्लीट्स दिया हुआ है एंड कंफर्टेबल है। नीचे से नॉर्मल इसमें पैंट वाला लुक है, तो ये काफ़ी अच्छा है। और कलर बहुत ही अच्छा है, इसका ब्राइट ऑरेंज है
तो ये आपका किसी के साथ भी जाएगा। आप इसको वाइट टॉप के साथ पेयर करेंगे तो बहुत ही अच्छा लुक आएगा, और आप इसको किसी कुर्ती के साथ भी पेयर कर सकते हैं तो वो भी बहुत अच्छा लुक देगा। एंड ये बहुत ही अच्छी लग रही है, फैब्रिक बहुत अच्छा है इसमें। और इसका मैं प्राइस, ये जयपुर कुर्ती की है, इसका साइज़ है एस, एंड इसका प्राइस है 1300, एंड ये जस्ट 560 रुपीज़ में मिली है मेरे को, और बहुत ही अच्छी है। नेक्स्ट है ये बेज कलर का ट्राउज़र, एंड ये है बहुत ही सुंदर, इसका कॉटन मिक्स है फैब्रिक, एंड काफ़ी अच्छी फिटिंग है इसकी। हल्का सा लूज़ आया है मेरे को, बट ओके है, क्योंकि इसमें प्रिफर किया गया है कि एक साइज़ छोटा लें, तो ये स्मॉल बिल्कुल परफेक्ट फिट आएगी इसकी, और बहुत ही अच्छा है ये, कम्फर्टेबल है। आप इसको ईज़िली अपने ऑफिस वगैरह में भी डाल के जा सकते हैं विद अ पेयर ऑफ ब्लैक शर्ट एंड ब्लैक टॉप, जो बहुत ही अच्छा लुक देगा। और ये काफ़ी सुंदर लग रही है, एंड यहाँ पे इन्होंने एक इलास्टिक, फुल इलास्टिक वेस्ट बैंड है इसकी, और यहाँ पे ड्रॉ स्ट्रिंग भी दिया हुआ है के अकॉर्डिंग आपकी वेस्ट एडजस्ट हो जाएगी, और बहुत ही अच्छा लुक आएगा। और यहाँ पे इन्होंने मतलब नीचे इन्होंने यहाँ पे नीचे इन्होंने बॉटम में ये साइड स्लीट्स दिया हुआ है, बहुत ही छोटा छोटा सा स्लीट्स है दोनों साइड में, बहुत ही अच्छा ये कंफर्टेबल होता पहनने के लिए, क्योंकि आराम से इसमें पैर चला जाता है। अगर इसमें यहाँ पे साइड स्लीट नहीं होती तो पहनने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। एंड पॉकेट्स दी हुई हैं इन्होंने यहाँ पे, दोनों साइड्स में पॉकेट्स हैं। ये बेज कलर का है, ये और भी कलर्स में अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको बेज कलर नहीं और कलर पसंद है तो आप उसको भी देख सकते हैं, काफ़ी सारे कलर्स में है ये ऑलरेडी। और ये है प्रोजेक्ट ईव का, इसका साइज़ है मीडियम, आई थिंक इसका स्मॉल बिल्कुल परफेक्ट आएगा, और इसका प्राइस है 800, और ये जिसमें को 590 रुपीज़ में पड़ा है। ज़्यादा डिस्काउंट नहीं मिला है, बट अच्छा है फैब्रिक, क्योंकि बहुत ही अच्छा लगा है मेरे को, और काफ़ी सुंदर है ये, टैपर्ड फिट है। Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Birds jumping and I hear my name, grasping into a life. Then next ye hai ऑलिव कलर का, और उसके साथ ब्लू कलर का इन्होंने मैचिंग दिया हुआ है, जो बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है इसमें। एंड ये हाई राइज लेगिंग है, और ये काफ़ी अच्छा आपका स्टमक एरिया को बहुत ही अच्छे से कवर कर लेती है, तो बहुत ही प्रॉपर फिट देती है ये, ऊपर से बहुत अच्छी इलास्टिक है इसमें। एंड ये एक तरह से जिम के लिए बहुत ही अच्छी है, जॉगिंग के लिए बहुत ही अच्छी है, या फिर आप अगर वॉक पे भी जा रहे हैं वॉक के लिए भी बहुत अच्छी है, तो ये उस पर्पस से है। एंड बहुत ही अच्छा है फैब्रिक इसका, बहुत पॉलिएस्टर मिक्स है इसका फैब्रिक, क्योंकि वो स्वेट नहीं आने देता है, एंड अच्छा लग रहा है, सिंपल सोबर है। यहाँ पे एक मार्किंग करी हुई है, एंड नीचे इन्होंने हल्की सी इन्होंने टैपिंग करी हुई, कंट्रास्ट टैपिंग दी हुई है नीचे इन्होंने, जो ऊपर इलास्टिक ब्लू कलर की में दिया हुआ है उसी तरह की टैपिंग दी हुई है नीचे, बहुत ही अच्छा लुक दे रही है। और ये प्रॉपर फिटिंग वाली है, अगर आप फिटिंग वाली के लिए देख रहे हैं तो ये बिल्कुल परफेक्ट है और अच्छी लगेगी। एंड पीछे इन्होंने हल्की सी डिज़ाइनिंग दी हुई है, ये देखिए ये पीछे इन्होंने हल्का सा प्रिंट ही है इसमें। ये है C9 की, और इसका साइज़ है L, एंड इसका प्राइस है 800, और ये मेरे को 600 रुपीज़ में मिली है, और अच्छा है, कंफर्टेबल है। अगर आप कुछ वॉकिंग के पर्पज़ से देख रहे हैं या फिर आप जिमिंग के पर्पज़ से देख रहे हैं तो उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है ये, और काफ़ी अच्छा है। इसमें भी कलर्स आई थिंक और भी थे इसमें, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है ये सी ग्रीन कलर की पैंट, और ये बिल्कुल ही अलग पीस आया है, मैंने ऑर्डर कुछ और किया था और ये मेरे को रिसीव कुछ और हुआ है, एक्चुअली थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया होगा, बिकॉज़ ये है सी ग्रीन कलर का है, और इसी के साथ का एक और सी ग्रीन है, तो मैंने वो वाला ऑर्डर किया था, और मेरे को दूसरा पेयर ऑर्डर मतलब प्लेस हो गया है,
तो इट्स मतलब इसकी एक तो मेरे को बिल्कुल भी प्रॉपर इसकी मुझको फिटिंग नहीं आई है और बहुत ही अजीब लगा है मेरे को पहनने के बाद। चलो बट फिर मैं इसको आपको बता देती हूँ। फिर भी इसका है ये सी ग्रीन कलर का है एंड आप देख सकते हैं इलास्टिक वेस्ट है इसमें प्रॉपर, और यहाँ पे इन्होंने ड्रॉ स्ट्रिंग दे रखी है, इसके अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे इन्होंने कोई पॉकेट नहीं है इसमें, यस कोई पॉकेट नहीं है। इसका फैब्रिक है फ्लैक्स एंड यहाँ पे इन्होंने नीचे हल्की सी लेस लगाई हुई है और काफ़ी अच्छा लुक दे रही है लेस, और लेस अच्छी क्वालिटी की भी है। बट ये जो यहाँ पे इन्होंने हैम ये जो इन्होंने यहाँ पे दे रखा है ये बहुत ही अजीब सी फिटिंग दे रहा है। एक्चुअली तो इसका साइज़ की वजह से मेरे को बहुत ही बेकार फिटिंग आई है, तो अगर साइज़ प्रॉपर होता तो आई थिंक शायद फिटिंग भी अच्छी लगती। तो अभी मेरे को ना तो इसकी फिटिंग अच्छी आई है ना ही इसका मेरे को साइज़ अच्छा आया है। आजियो का इसका साइज़ है मीडियम, और अगर मीडियम देख रहे हैं आप इसका तो मेरे ख्याल से एक्स्ट्रा स्मॉल ही जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लूज आया है। इसका प्राइस है 1800 और ये जस्ट मेरे को 680 रुपीज़ में मिला है, और काफ़ी मतलब फिटिंग ही नहीं आई है तो फिर उसमें मैं कुछ ज़्यादा बोल भी नहीं सकती हूँ। अगर आप इसका एस या फिर मतलब थोड़ा सा इसका छोटे साइज़ अगर आप ट्राई करेंगे तो शायद प्रॉपर फिटिंग आए और प्रॉपर आपको पता चल जाएगा, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, तो मे बी आपके लिए हेल्पफुल हो। नेक्स्ट है मैरून कलर की जोधपुरी पैंट, और ये बहुत ही अच्छा लगा है मतलब, और अगेन इसमें भी थोड़ा सा साइज़ का इशू आ गया, साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा आ गया है मेरे को और प्रॉपर मेरे को फिटिंग नहीं पता चली है इसकी। बट मेरे को ये बहुत ही अच्छा लग रहा था और एज़ मतलब जैसे मैंने पिक्चर में देखा था बिल्कुल वैसा ही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये कंफर्टेबल फैब्रिक है इसका, फैब्रिक है कॉटन, और ये देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने बहुत ही अच्छा प्लीट्स वाला पैटर्न दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है। ये देखिए प्लीट्स हैं, ऊपर इन्होंने जिप क्लोज़र दिया हुआ है विद बटन, और काफ़ी अच्छे लुक दे रही है ये। एंड इसमें पॉकेट्स भी हैं, दोनों साइड्स में पॉकेट्स हैं, और यहाँ पे इन्होंने बहुत ही अच्छा लुक दिया हुआ है जो एक हैम वाला, और नीचे से इन्होंने यहाँ पे ड्रॉ स्ट्रिंग वाला पैटर्न दिया हुआ है। ये देखिए नीचे से इन्होंने ड्रॉ स्ट्रिंग वाला पैटर्न दिया हुआ है, अगर आप इसको टाइट करके पहनना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा लुक देगा एंड काफ़ी सुंदर लगा है। मतलब फैब्रिक बहुत ही कंफर्टेबल है, दोनों साइड से आप इसको अच्छे से टाइट करके पहनो तो ये काफ़ी अच्छी लुकिंग देगी। ये है देसी वाइव्स का और इसका साइज़ है XL, तो ये XL मेरे को बहुत ज़्यादा बड़ा आया है, अराउंड इसमें मेरे का एक और आ जाए इसमें तो काफ़ी मतलब बड़ा आया है ये, और इसका शायद आई थिंक साइज़ छोटे थे नहीं बट मेरे को ट्राई करना था और फैब्रिक देखना था कि कैसा है तो मैंने ये ऑर्डर किया था। और इसका अगर आप चाहेंगे तो इसका 2-3 साइज़ आपको छोटा लेना पड़ेगा, इसका साइज़ मेरी वेस्ट के अकॉर्डिंग इसका साइज़ आई थिंक मीडियम या फिर स्मॉल आएगा और वो बिल्कुल परफेक्ट फिट आएगी। और ये है 1400 का और जस्ट मेरे को पड़ा है 700 रुपीज़ में, 50% ऑफ मिला है मेरे को और काफ़ी अच्छा है। आप इसको वाइट शर्ट के साथ पेयर करो और दुर्गा पूजा के लिए बिल्कुल परफेक्ट ड्रेस बन जाएगी आपकी, वाइट शर्ट के साथ पेयर करेंगे एंड उसके साथ आप सिल्वर की ऑक्सीडाइज वाली ज्वेलरी पहनोगे तो बहुत ही परफेक्ट लगेगी और कंफर्टेबल भी रहेंगे आप, बहुत ही ट्रेंडी लुक देगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। देन नेक्स्ट है ये ज्योमेट्रिक प्रिंट की प्लाजो और ये काफ़ी अच्छा है और कंफर्टेबल फैब्रिक है इसका, ये है कॉटन का एंड इसका ग्रीन कलर है, ग्रीन के साथ इन्होंने एक और डार्क ग्रीन की मैचिंग दी हुई है और स्ट्राइप वाला पैटर्न दिया हुआ है, थोड़ी सी जिगजैग वाली इसमें डिज़ाइनिंग हुई हुई है एंड ये प्रॉपर स्कर्ट वाला लुक दे रही है। और नीचे आप देख सकते हैं इसमें बहुत अच्छा हैम दिया हुआ है, ये देखिए बहुत ही अच्छा हैम है जो नीचे आपको एक स्कर्ट का लुक देगा, तो चाहे तो आप इसको एक कुर्ती के साथ भी पेयर कर सकते हैं, वाइट कलर की कुर्ती के साथ आप पेयर करोगे बहुत ही अच्छा लुक देगा, और या फिर आप इसको शर्ट्स के साथ भी, टी शर्ट के साथ, किसी के साथ भी पेयर करोगे तो बहुत ही अच्छा लुक देगा। ये देखिए इसमें सेमी इलास्टिक वेस्टबैंड दी हुई है पीछे इलास्टिक, ये है देसी वाइव्स का, इसका साइज़ है XL एंड इसका प्राइस है 1400 और ये जो 700 रुपीज़ में पड़ा है ये भी 50% डिस्काउंट पर मिला है, और इसका साइज़ भी आई थिंक मीडियम या फिर स्मॉल अगर आप ऑर्डर करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आएगी। ये भी मेरे को थोड़ा सा लूज़ आया है, थोड़ा सा लूज़ नहीं आया है, ये ठीक आया है, मेरे को मीडियम या फिर एल साइज़ इसका चलेगा।
देन नेक्स्ट है ये पिंक कलर का और ये बहुत ही सुंदर लगा है मेरे को, बहुत ही अच्छा है। एक तो कलर इसका बहुत ही बेबी पिंक वाला है और उसके ऊपर इसमें फ्लोरल प्रिंट हुआ हुआ है जो बहुत ही अच्छा लग रहा है, पिंक डार्क पिंक एंड ब्लू कलर से बहुत ही अच्छा कलर कॉम्बिनेशन बैठ रहा है। तो फैब्रिक है विस्कस रेयन जो बहुत ही सॉफ्ट लग रहा है एंड यहाँ पे इसमें दोनों साइड्स में पॉकेट्स दी हुई हैं और ये नॉर्मल कैजुअल सा आपका, ये आप इसको डेली वेयर में पहन सकते हैं और या फिर आप इसको थोड़ा सा आउटिंग के लिए पहनना चाहें तो उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट एंड कम्फर्टेबल रहेगा आपको बहुत ज़्यादा। तो ये किसी के कलर के साथ भी जाएगा, चाहे पिंक के साथ आप मैचिंग करो, चाहे ब्लू के साथ करो या फिर ब्लैक टी शर्ट्स के साथ कर सकते हैं आप इसकी मैचिंग। और काफ़ी अच्छा है, नीचे हेम नॉर्मल दिया हुआ है, ना ज़्यादा बड़ा है ना ज़्यादा छोटा है, तो ये प्रॉपर अच्छी लुक दे रहा है। और नीचे इन्होंने यहाँ पे इंटरलॉकिंग करी हुई है तो यहाँ से काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है, सिंपल एंड सोबर और कलर सबसे अच्छा लगा है मुझे इसका। एंड देन यहाँ पे इलास्टिक वेस्ट दी हुई है जो प्रॉपरली एडजस्ट हो रही है। और मैं इसका प्राइस बता देती हूँ, ये मिस्ट्री पैरिस का है, उसका साइज़ है LL, ठीक आया है। और इसका प्राइस है 900 रुपीज़ और ये जस्ट मेरे को मिला है 570 रुपीज़ में। एक्चुअली इसके ऊपर ज़्यादा डिस्काउंट नहीं है और रिसेंटली आई थिंक इसका शायद प्राइस डाउन भी हो तो मुझे पता नहीं है, तो ये 750 रुपीज़ में मिला है। तो फ्रेंड्स ये था मेरा बॉटम वियर आजियो हॉल वीडियो और मैंने ये फर्स्ट टाइम किया है तो थोड़ा सा साइज़ का प्रॉपर अंदाज़ा नहीं हो पाया क्योंकि मैंने जो डिस्क्रिप्शन उसमें साइज़ चार्ट में देखा था तो थोड़ा सा मैंने मतलब अपने वेस्ट के अकॉर्डिंग मुझे लगा कि मैं थोड़ी सी मोटी हो गई तो मैंने 30 के अकॉर्डिंग ही वेस्ट की है। अगर आपकी 30 है या 30 से ज़्यादा है तो आपको ये बिल्कुल परफेक्ट आएंगे और अगर आपकी 30 से कम है तो आपको ये लूज़ आएंगे बहुत ज़्यादा। तो इनमें से कुछ मेरे को बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग के आए हैं, कुछ लूज़ आए हैं तो कुछ ज़्यादा ही लूज़ आए हैं तो मैं वो आपको नहीं पहन के दिखा पाऊँगी और मैंने एक्सप्लेन आपको सभी कर दिए हैं। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप परचेज़ कर सकते हैं, लिंक मैं नीचे सारे नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और अगर आपको ये मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो और आपके लिए ज़रा सी भी बेनिफिशियल हुई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा ताकि उससे आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप उसको सबसे पहले देख पाएंगे। और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में। तो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।